ओके तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंटीग्रल इक्वेशन। इससे पहले हमने कुछ बेसिक्स देखे थे कि इंटीग्रल इक्वेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और हमने ये देखा था कि कैसा इंटीग्रल इक्वेशन का नेचर होता है, मतलब कब हम लोग उसको वोल्टेरा बोलेंगे और कब उसको हम लोग फ्रेडलम बोलेंगे। ठीक है, उसमें भी हमने देखा था फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो कल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें टोटल आपको मैक्सिमम अब तक जो पूछे हुए 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और इसका मैक्सिमम मार्क्स वेटेज है 12.50। ओके, और मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब वर्स्ट केस में आपका पार्ट बी में पूछा हुआ है, तो 3 मार्क्स तक आपका मिनिमम है। और इसमें इतना ही होता है कि बाकी बाय डूइंग ए सिंपल कैलकुलेशन यू में इजिली स्कोर 3 मार्क्स। ओके, तो कल हमने लास्ट में देखा था आपका फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन फ्रॉम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कल हमने ये चीज देखा था। ठीक है, इसमें क्या था, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, इसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन बनाया था, और इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रल इक्वेशन बना था, तो यहाँ पे फाइनली जो आउटपुट आया था उसके बेस पे हमने बताया था कि ये कौन सा होगा। जैसे यहाँ एक्स वेरिएबल था तो हमने बोला ये वोल्टेरा होगा, यहाँ एफ एक्स नॉन जीरो है, अगर जीरो होता तो होमोजीनियस होता, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लायर 1 है, सो ये सेकेंड काइंड हो गया। ठीक है, सेकेंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो गया। एंड अगर एक के एक्स टी है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, एक के एक्स टी आपने जो सिमेट्रिसिटी वाला प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, ये इक्वल टू हो जाए टी एक्स, तो इसको बोलते हैं कि ये कर्नल सिमेट्रिक कर्नल होगा। ठीक है, सिमेट्रिक कर्नल में क्या करना है, बस एक्स टी जो इक्वल हो जाएगा टी एक्स के। ओके, ये तो रियल पे ना, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री की बात करें तो इसका आपको बार ले लेना है, अगर ए इसके इक्वल हो जा रहा है तो हम बोलेंगे ये जो कर्नल है सिमेट्रिक कर्नल है। ठीक है, तो अच्छा आज मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा लगे कि हमने जो पढ़ा है कुछ यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, तो उस पे बढ़ने से पहले, अच्छा इसी का एक मैं अल्टरनेट मेथड भी बता दे रहा हूँ। एक तो हो गया कि डायरेक्टली हमने इंटीग्रेट किया, आपके पास दो टाइप के प्रॉब्लम होंगे, एक होगा इंटीग्रल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, और एक होगा डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इक्वेशन बनाना। तो अभी हमने जो किया डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इक्वेशन किया। आपके नेट में जो क्वेश्चन पूछता है मोस्टली इससे पूछता है। इसका क्या काम है कि हमारा जो क्वेश्चन होता है ना, या तो आप इंटीग्रल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करिए, या सिंपली जैसे मैंने बताया इंटीग्रेट करके एक डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन बना दीजिए, और वहां से आपका काम बहुत सारा आसान हो जाता है। ये बस इन दोनों का एप्लीकेशन है। इसके लिए एक दो फॉर्मूला चाहिए जो मैं अभी बताऊंगा, बट उससे पहले इस बार एक बार इसका सेकेंड मेथड हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सेकेंड मेथड इसका काम करता है। कल इसी क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, कल हमने एक किया था। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कि जैसे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फाइव डबल डैश एक्स प्लस लेमडा फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ओके, विद कंडीशन दिस एंड दिस। ओके, तो यहाँ पे करके इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, हमें वो बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा ना, एक तो जैसे हमने ऊपर वाला मेथड कर लिया, और एक इसमें सिंपली हम उसी को वहीं से डायरेक्टली, यहाँ पे हमने एज्यूम किया था, देखिए यहाँ पे हमने एज्यूम किया था डबल डैश को कि y डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 5x, और यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देना है, आपको एज्यूम कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंस यही लिया हुआ। इसके अलावा भी आप मेथड फॉलो कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि जैसे कोई यूनिक मेथड तो है नहीं, देर आर मेनी मेथड टू सॉल्व कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वन मेथड इज डिस्क्राइब इन एबव, जैसे जो हमने कल डिस्कस किया था, या ये जो जस्ट पीछे वाला था, एक तो मेथड वो हो गया, और दूसरा हो गया जैसे इसमें बिना एजम्पशन किए डायरेक्टली आप इसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दिए, दूसरा मेथड है, तो वही मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया फॉर दिस क्वेश्चन वी टेक अनदर मेथड, ताकि दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाए कि कैसे काम करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ आपका दिस, अब मैंने क्या किया, फाइव डैश को एक साइड रख लिया और बाकी सबको एक तरफ रख लिया। ठीक है, अब यहां से मेरे को इंटीग्रेशन में काम आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, जीरो टू एक्स करना है। ठीक है, अब जीरो टू इंटीग्रेट कर दिया तो एक क्या हो जाएगा, फाइव डैश एट एक्स माइनस फाइव डैश एट जीरो, और फाइव डैश एट जीरो क्या है, जीरो है, तो एक काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यही चीज मैंने लिखा हुआ, फाइव डैश माइनस फाइव डैश जीरो, और इधर करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो टू एक्स, और इधर करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो टू एक्स। ये पूरा डाटा लिख दिया, अब फाइव डैश तो जीरो था तो इसका काम खत्म, इधर फाइव डैश बच गया, इधर एफ का जीरो टू एक्स हो गया, और ये दोनों पूरा कंबाइंड ही एक साथ मैंने लिख दिया। ओके,
अभी भी हमारे पास ये डिफरेंशियल का टर्म है, तब फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए कहां से, जीरो टू एक्स के बीच में। और एक कल और फॉर्मूला बताया था ऐसे मल्टीपल इंटीग्रल इंटीग्रेशन वाला, ठीक है, इसको सिंगल सिंगल इंटीग्रेशन में हम लोग लिख रहे थे तो कुछ इस टाइप से था, तो आप पीछे का रिकॉल कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास नोट्स होगा तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, जस्ट मैं क्विक रिविजन करवा रहा हूँ ताकि हमने जो जरूरत वो चीज हम सीख सके। तो यहाँ पे अभी भी आपके पास एक डिफरेंशियल टर्म है तो फिर से इंटीग्रेट कर, जब तक ये डिफरेंशियल टर्म खत्म ना हो जाए तब तक आपको इंटीग्रेट करते रहना है। मान लो आपके पास कुछ इस टाइप से दे दिया, ठीक है, मतलब इस टाइप से नहीं देगा, इतना देगा, या फिर मान लीजिए कुछ इस इतना बड़ा दे दिया, तो आप इसको तब तक डिफरेंस इंटीग्रेट करते रहिए जब तक ये फाइव पे ना आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक बचा हुआ था, फिर से इंटीग्रेट कर दिया जीरो टू एक्स के बीच में, तो क्या हो जाएगा फाइव एक्स, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव एक्स, जीरो टू एक्स था ना, तो फाइव एक्स माइनस फाइव जीरो, फिर इधर कर दिया, डबल इंटीग्रेशन हो गया, बाकी ये एज इट थिंग्स है आपके। ओके, फाइव जीरो का वैल्यू हमें वन दिया था तो इसकी जगह वन रख दिया, तो वन हो गया, ये फाइव एक्स एज इट था। अब वो जो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके अनुसार मान लीजिए यही यहाँ पे हमारे पास है ना जीरो एक्स, इसको कुछ एक्स वन हमने मान लिया, ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो रहा था अगर ये एन टाइम था तो वन अपन में एन माइनस वन का फैक्टोरियल था, तो यहाँ पे तो टू टाइम है तो क्या होगा टू माइनस वन का फैक्टोरियल यानी वन बाई वन का फैक्टोरियल, फिर इंटीग्रेशन जीरो से एक्स, और इधर हो जा रहा था एक्स माइनस टी, वो आ गया एक्स माइनस टी आपका यहाँ पे, ये देख रहे होंगे आप, और बाकी एज इट जो जैसा है ये एज इट आ गया, ठीक है, इधर एक्स माइनस टी का एक टर्म मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और पीछे वाला या लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं ये चीज हमने डिस्कस किया हुआ था। ओके, तो यहाँ से अब आ गया, अब यहाँ से आपका सारे डिफरेंशियल के टर्म खत्म हो गए, तो आपका ए बन गया रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, अब इसका नेचर पूछे क्या है, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल का टर्म है कि नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल का टर्म है तो इसका मतलब है वोल्टेरा हो गया, और ए नॉन जीरो है तो आपका ये नॉन होमोजीनियस हुआ, और अगर ये टर्म नहीं होता तो फर्स्ट काइंड होता। अब ये टर्म है मतलब इसका मल्टीप्लायर वन है, अगर मल्टीप्लायर जीरो होता तो काम खत्म हो जाता ना, तो काम खत्म हो जाता तो इसका मतलब सिर्फ इतना बचता तो उस केस में क्या हो जाता फर्स्ट काइंड, बट ए है मतलब इसका मल्टीप्लायर वन है मतलब क्या हो गया सेकेंड काइंड। तो इस तरह से हम लोग इजिली कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है इस क्वेश्चन को आप इसका करस्पॉन्डिंग वो कर सकते हैं। ओके, अब जो सबसे जरूरी वाली चीज है मैं पहले वो आपको बता देता हूँ ताकि हम लोग जब आप रिक्वायर्ड थ्योरी प्रॉब्लम्स पे आएंगे तो आपको लगे कि नहीं हाँ आपसे क्वेश्चन बन रहा है, हालांकि बहुत इजी है, बट शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक देख लेते हैं। एक होता है लेबनीज रूल, ठीक है, तो लेबनीज रूल क्या होता है सिंपली पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, मैं जो बताने जा रहा हूँ लेबनीज रूल, ठीक है, ये क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है, या इंटीग्रल साइंस को जो होता है उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है, अतः वीवीआई है आपके लिए, ये जानना बहुत जरूरी है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन लगभग हर बार आ ही जाता है। ओके, हमने अभी क्या किया डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इक्वेशन बनाया, तो इसी में तो इंटीग्रेट कर रहे थे तो काम तो पड़ा नहीं, अब हमें करना है इंटीग्रल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मतलब इसमें तो कुछ इंटीग्रेशन के टर्म होंगे ना, और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे इंटीग्रेशन वाले को डिफरेंशिएट करना होगा, तो वैसे डिफरेंशिएशन के लिए इस लेबनीज रूल का काम पड़ता है, ठीक है, तो इसका कहां पर हिंट मैं लिख दे रहा हूं, हिंट फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मतलब जहां इंटीग्रल साइन या इंटीग्रेशन टाइप का रहता है तो उस टाइप के टर्म का डिफरेंशिएट करने के लिए ये। तो डायरेक्टली मैं इसका पहले स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, फिर उसके बाद मैं टर्म कंडीशन बता दूंगा क्या होता है। ओके, तो मान लीजिए इन जनरल हमें कोई ले लिया एक कैपिटल एफ ले रहा हूँ, एक्स कोमा टी डी टी दिया हुआ है, ठीक है, लिमिट ले लेते हैं मान लीजिए कुछ ए जी एक्स से एच एक्स हो गया। ओके, ए हमें एक गिवन है, अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, मान लो एक्स टी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका करना है तो अब क्या करेंगे हम, इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, ए कर दिया, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट को एज इट छोड़ दीजिए आपका, इस सब एज इट आ जाएगा एच एक्स, अब ये डिफरेंशिएशन अंदर चल जाएगा और इस एफ का पार्शियल मतलब एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर रहे हैं एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एफ इनटू
डी टी प्लस, ये मैं इन जनरल केस लिखवा दे रहा हूँ, प्लस अब जो एफ है ये कैपिटल है, अभी लिमिट पुट कर दीजिए टी की जगह, ठीक है, तो एक्स की जगह एक्स रह जाएगा, यहाँ पे टी की जगह एच एक्स हो जाएगा, एंड इस एच एक्स का डेरिवेटिव इनटू में हो जाएगा एच डैश एक्स। अब फिर माइनस, अब नीचे वाला लिमिट रख दीजिए एक्स, फिर इसका हो जाएगा जी एक्स, और फिर जी एक्स का डेरिवेटिव, तो ये होता है आपका लेबनीज रूल, ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ा सा शायद साफ नहीं दिख रहा है, इसको क्लियर कर लेता हूँ, एच डैश एक्स, ठीक है, तो ए इन जनरल हो गया। अच्छा, इसमें मैं कुछ कंडीशन लगा देता हूँ, कंडीशन क्या लगा, या तो जी जीरो हो या तो एच जीरो हो, ठीक है, तो पार्टिकुलर केस हो गया। तो एक एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास अगर एच जीरो हो गया, ठीक है, जीरो नहीं मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट ले लीजिए, मान लीजिए मैंने कुछ ए ले लिया, ठीक है, तो ए ले लिया तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो एच डैश क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो यहां से देखिए, अगर ऐसा केस हुआ, अगर इस टाइप का केस हुआ, या फिर मान लीजिए दूसरा आपका जी ही कॉन्स्टेंट हो, कुछ मान लो बी हो, तो जी डैश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में देखिए, अगर ए कॉन्स्टेंट होता है तो हमारे पास इंटीग्रेशन तो ये चीज है जी एक्स और एच एक्स, तो इसके जगह बी हो जाएगा, इसकी जगह ए हो जाएगा, ओके, ए एज इट रह जाएगा डी टी। अब प्लस, अगर हमारे पास एच एक्स जो है कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि डेरिवेटिव का टर्म यूज हो रहा था, तो एफ इंटू एच डैश का डेरिवेटिव और एच का डेरिवेटिव तो जीरो था, तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। उसी तरह अगर जी एक्स भी कुछ कॉन्स्टेंट है, तो जी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो ए प्लस जीरो हो गया। तो उस केस में जब ए और बी आपका कॉन्स्टेंट हो, तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, इसको मैं अब डायरेक्टली रिजल्ट लिख दे रहा हूँ आपका, यहाँ पे हमारा क्या था, ये था डी बाई डी एक्स। अब ले लीजिए कुछ ए टू बी, जहाँ ए और बी क्या है कॉन्स्टेंट है, ए हो गया एक पार्टिकुलर केस, ठीक है, जब एच और जी जीरो, मान लो अगर एक जीरो नहीं होगा, तो यहाँ वाला अगर हमारा एच जीरो मतलब कॉन्स्टेंट नहीं हुआ, ए जीरो नहीं होगा, ए कॉन्स्टेंट नहीं हुआ, तो ए जीरो नहीं होगा, क्योंकि डेरिवेटिव चलते जीरो है ना, तो हम इस काम को अपने काम को आसान कर दिए, ठीक है। इसका मैं लिख दे रहा हूँ, इफ जी एक्स बराबर क्या ले लिया था मैंने ए, और एच एक्स बराबर क्या ले लिया था बी, ठीक है, तो ए हो गया पार्टिकुलर केस। अच्छा, इसमें जनरली क्या जो एजम्पशन है, इसमें एजम्पशन क्या लेके चलते हैं कि जो ए एच होगा, सॉरी एफ होगा ना ए, और इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है एक्स और टी के टर्म में, ठीक है, एंड ये जो ए जी डैश है और एच डैश है, ये दोनों भी कंटिन्यूअस होता है। तो इसे अब एक तरह से बोलिए तो कंपटीशन के पर्पज से देखे तो आपके लिए ज्यादा मायने रखता नहीं, क्योंकि आपको जब इस टाइप का होगा तो करना ही होगा, बट थ्योरेटिकली में मायने रखता है, तो ठीक है, आपको डिफरेंशियल का टर्म समझ में आएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम इंटीग्रल इक्वेशन। तो मैं इधर उधर का एग्जांपल लेने के बजाय क्यों ना नेट का ही एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो एक नेट का एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ, और उसी से हम लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ताकि हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, हमें समझ में भी आ जाएगा कि कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है। ओके, मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर 2016 का क्वेश्चन नंबर 47, एक बार 47 आप लोग देखिए, कंसीडर द इंटीग्रल इक्वेशन दिस, ओके, कंसीडर द इंटीग्रल इक्वेशन दिस एंड देन वैल्यू ऑफ वाई वन, ओके। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई किसे करोगे, तो यहाँ पे मैं ये देख रहे होंगे ए अंदर में वाई टी है, मतलब यही अननोन फंक्शन है, और इसी के लिए तो हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन सोल्व कर रहे थे। अच्छा, मान लीजिए जो हमने कल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कौन सा है, ऊपर एक्स का टर्म है, मतलब ये क्या हो गया आपका वोल्टेरा, ये नॉन जीरो है मतलब नॉन होमोजेनियस, इसका मल्टीप्लायर वन है मतलब सेकेंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, तो ये चीज था क्विकली आइडेंटिफाई करने का, तो सेट में पूछता है नेट में नहीं पूछता है, तो ऐसा है कि इसका थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन जाएगा, तो इसका मैं क्वेश्चन देखता हूँ, अगर कॉपी होता है तो कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी नहीं हो रहा ना, ओके, इसको मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ, ओके,
ताकि हमारा काम आसान हो जाए सॉल्व करने में। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन क्या है आपका? एक सेकेंड, क्वेश्चन है आपका, एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया था, कंसीडर द इंटीग्रल इक्वेशन, क्या था कुछ था, एक सेकेंड, ये था वाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस जीरो टू एक्स साइन एक्स माइनस टी वाई टी डी टी एक्स जीरो टू पाई, देन वाई वन का वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो ये था आपका वाई एक्स इक्वल टू था एक्स क्यूब प्लस जीरो टू एक्स था, फिर साइन का था एक्स माइनस टी इंटू वाई टी था, अननोन में उस टाइम बता रहा था, इंटू डी टी था, एंड एक्स था जीरो टू पाई, ये गिवन था। फिर हमें पूछा था देन द वैल्यू ऑफ वाई वन क्या होगा। चार ऑप्शन थे, ऑप्शन क्या था एक बार फिर से देख ले रहे हैं, 1, 19, 17, 21। ओके, ये था 19, दूसरा था आपका 17, तीसरा था 1 और चौथा था 21 अपॉन में 20। ओके, एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहा हूं ताकि हम लोग डायरेक्टली अपने काम पे आते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया आपका। सोल्यूशन मैंने क्या बताया था, रिकॉल, लेबनीज रूल और डिफरेंशिएशन, ठीक है। बस ए आप एक रिजल्ट याद रखो, बाकी आपको इंटीग्रल इक्वेशन नहीं भी आता है तो भी आप कर लोगे, ठीक है। तो वन का करते हैं, मान लिया हमारे पास वन इक्वेशन ए है, तो मैं यहां से शुरू करता हूं। हमारे पास है वाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस जीरो टू एक्स साइन एक्स माइनस टी वाई टी डी टी, बस मेनली इसी का काम है। अब इसको करते जाइए और डायरेक्टली लास्ट में आपका वाई निकल जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो एंड एक सेकेंड, कंडीशन कुछ नहीं दिया था, ओके अब मैं बताता हूं कैसे करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में कुछ भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इतना इतना इतना, लेकिन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूरत पड़ेगा ना। तो आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व करिए, शायद आपको दिख रहा होगा कि वाई जीरो क्या हो जाएगा, जीरो रखेंगे ए जीरो प्लस जीरो टू जीरो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ये क्या हो गया, यहां से हमारा वाई जीरो इक्वल टू जीरो मिल गया, एक एक कंडीशन हमें मिल गया। इसी टाइप से आपको सोल्व करते वक्त बीच बीच में आपको ए वैल्यू भी निकालना है। इसको इक्वेशन मैंने टू दे दिया ना, इसको टू रोमन वाला टू दे दे रहा हूं। अब आप लेबनीज रूल अप्लाई करिए, ठीक है, तो मैंने कर दिया बाई अप्लाई लेबनीज, इसको इसलिए मैं समझा रहा हूं ताकि इस पे क्वेश्चन लगभग बहुत बार पूछा हुआ है, तो मैं अभी डिस्प्ले कर दूंगा वो उन क्वेश्चंस को और आप उनको करना। अप्लाई लेबनीज रूल ऑन वन, जो पीछे वन लिखा था, तो क्या हो जाएगा, इधर ए वन था ना आपका, ओके, तो इधर हो जाएगा वाई डैश, इधर हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, अब इधर करेंगे तो क्या होगा, तो इधर हो जाएगा ये जीरो टू एक्स रह जाएगा, साइन का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस टी, ये तो टी का फंक्शन है, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डी टी प्लस, मैंने बोला था कि इसमें क्या करना है, ऊपर वाला लिमिट रख देना है टी की जगह और इसका डेरिवेटिव रख देना। तो यहाँ पे देखिए एक्स की जगह हम लोग टी टी की जगह एक्स रखेंगे तो एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, तो कॉस जीरो, तो कॉस जीरो क्या हो जाता है वन, और यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन, सो ये बन गया आपका सिर्फ वाई एक्स। ओके, अब नीचे तो जीरो है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि माइनस जीरो हो जाएगा जो मैंने कॉन्स्टेंट वाला बताया था। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छा, यहाँ से एक चीज और हमारा लग रहा है निकलेगा, कैलकुलेशन से या ना एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ओके, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। ओके, एक साइन जीरो पे एक्स टी, अब यहाँ से देखिए वाई डैश जीरो क्या होगा, ए जीरो हो गया प्लस जीरो टू जीरो इंटीग्रेशन जीरो हो गया,
प्लस वाई जीरो हो गया, और वाई जीरो हमारा क्या था, जीरो था। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया कि वाई डैश भी जीरो पे क्या दे देगा, जीरो दे देगा। दो कंडीशन हमें मिल गया, ठीक है। इसको कुछ मैं थ्री नाम दे दे रहा हूँ, इनका काम पड़ेगा आगे, इसलिए मैं टाइम टू टाइम निकालते जा रहा हूँ। ओके, अब इसका डबल डेरिवेटिव करिए, एक सेकेंड, वाई डैश ये हो गया। ओके ओके, एक गलती मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हमें इसमें रखना होता है, हमारा ए था, ए नहीं था, यहाँ पे एफ एक्स नहीं होगा, ये वाला टर्म आपका नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली गड़बड़ क्या हो रहा था कि यहाँ पे हमारा एफ कैपिटल ए है, ठीक है, तो इसमें हम टी की जगह एक्स रखेंगे, तो साइन जीरो पे जीरो होता, तो इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं, अगेन अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट, तो आप करेंगे तो इधर हो जाएगा वाई डबल डैश, इधर हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस इसका हो जाएगा जीरो टू एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस टी, इधर हो जाएगा अंडर में वाई टी डी टी प्लस, अब इसमें रखेंगे तो माइनस, इस पर रखेंगे तो वन, तो ये माइनस आपका, ये माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें रखे तो हमारा हो गया वाई एक्स और जीरो पे जीरो माइनस जीरो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको फटाफट क्विकली सॉल्व कर लेते हैं, ओके, सिक्स एक्स हो गया। आपको थोड़ा सा सिंपलीफाई भी करना है, इसको माइनस अप कर देते हैं क्योंकि अब हमारा माइनस आ गया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसलिए आसान आराम से कर रहा हूँ ताकि आप समझते जाएं। ये हो गया साइन एक्स माइनस टी वाई टी, अच्छा ये देखिए ए भी वाई टी में और हमारा वाई एक्स भी वाई टी में था, तो उसको एक बार यहाँ पे उठा के रख देते हैं और शायद हमारा काम आसान हो जाएगा। ए था, वाई टी क्या था, ए था, नहीं नहीं इससे पहले भी कुछ एक्स क्यू के टर्म थे, एक्स क्यू था ना, वो था एक्स क्यू प्लस जीरो टू एक्स, ए था साइन एक्स माइनस टी। आपके क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा, पहले तो लगा कि बहुत लंबा है बट बहुत इजीली, ये देखिए पूरा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, सिक्स एक्स माइनस सिक्स क्यू और क्या था, वाई डबल डैश, ठीक है। देखिए एक बार कैलकुलेशन गलत तो नहीं है ना, ठीक है, अगर कैलकुलेशन सही है तो यहाँ से हमारे पास आ गया वाई डबल डैश इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस एक्स क्यू, क्लियर। तो अब यहाँ से हम लोग इजिली वाई निकाल सकते हैं, ये पता चल गया, अब इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए अब तक हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये मेथोडोलॉजी है इसका। तो अब यहाँ से आपके क्या आ जाएगा, वाई एक्स माइनस जीरो टू एक्स करेंगे इंटीग्रेट, मैं पहले बोल दे रहा हूँ इंटीग्रेट जीरो टू एक्स, ठीक है। तो वाई एक्स माइनस वाई डैश जीरो हो जाएगा इक्वल टू, इधर हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स टू द पावर फोर बाई फोर, ओके। और वाई जीरो हमारा क्या आया था, ये जीरो आया था ना, ये जीरो पे चल जाएगा तो खत्म। तो आपके यहाँ से क्या बन गया, वाई डैश एक्स बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर फोर बाई फोर, ठीक है। अब यहाँ से फिर कैलकुलेशन करते हैं, अभी हमें वाई पे पहुंचना है ना, ये तो वाई डैश आया हुआ है, ओके। तो वाई यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अगेन इंटीग्रेट करिए, बस यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करते करते इंटीग्रल साइन से फ्री कर दिया, इंटीग्रल साइन से फ्री करते हैं फिर से इंटीग्रेट करने लगे और यहाँ से हमारा इजीली वाई निकल जाएगा, तभी हो जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री और थ्री से थ्री कट जाएगा माइनस, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर फाइव बाई ट्वेंटी, ठीक है। और कुछ इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट वाई एक्स माइनस, यहाँ पे वाई एक्स माइनस वाई जीरो हो जाएगा ना, ओके, यहाँ पे माइनस वाई जीरो होगा तो इसको इधर मैं कर दे रहा हूँ प्लस वाई जीरो, ठीक है। और वाई जीरो क्या था, जीरो था, तो इसका भी काम खत्म ही है, ठीक है। वाई जीरो हमारा क्या था, जीरो ही था ना, इंटीग्रेट करेंगे इसको जीरो टू एक्स, तो वाई एक्स माइनस वाई जीरो होगा तो प्लस वाई जीरो इधर कर दिया। तो अब देखिए आपका प्योर निकल गया वाई एक्स क्या था, तो वाई एक्स आपका जो एक्चुअल में था वो था एक्स क्यू माइनस एक्स टू द पावर फाइव ट्वेंटी। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो पुट करिए और निकाल लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है आपको फाइंड एट वन, एट वन क्या हो जाएगा, हो गया, ज्यादा टाइम ना लेते हुए
वन माइनस वन बाई 20 एक सेकेंड, कहीं कैलकुलेशन में गलत हुआ है। ए प्लस एक्स क्यूब है ना, ये गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब है तो यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब है, प्लस एक्स क्यूब। ओके तो ये हो जाएगा 21/20, और 21/20 का कौन सा ऑप्शन था, फोर्थ। ये हो जाएगा आपका यहाँ से फोर्थ ट्रू। तो होपफुली सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। तो ए मेथड था आपका करने का, और ये पार्ट बी में है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब जब क्विकली करेंगे ना तो आप फटाफट करते जाएंगे। अब आपको मेथड पता चल गया, इसको देखिए आप डिफ्रेंशिएट करते जाइए, डिफ्रेंशिएट करते करते एक बार जब ए इंटीग्रेट, आपको इंटीग्रेशन साइन से इसको इंटीग्रल साइन से फ्री कर देना है, जब फ्री हो जाएगा ना फिर से इंटीग्रेट करते आइएगा, कहाँ पे वाई एक्स पे, वाई एक्स पाते हैं ये वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ये 2016 का क्वेश्चन था, 16 जून का क्वेश्चन था, और आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी था। तो अगर ये समझ में आ गया तो एक ऐसे क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा कि पुराना क्वेश्चन है तो मैं लेटेस्ट 19 दिसंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21, आप लोग एक बार देखिए, इसमें भी वही काम कर रहा है, ए टू जेड रिपीटेड है। देखिए इसमें भी क्या है? एक दे दिया, 5-1 पूछ रहा है, तो ए भी क्या है, रिपीटेड है। और रिपीटेड कैसे है? मैं ये भी दिखा रहा हूँ, देखिए एक 2016 में पूछा था यही क्वेश्चन, उसमें साइन कौन का, सेम ए टू जेड वही मेथोडोलॉजी। अब यही देखो 2018 दिसंबर का क्वेश्चन देखिए, मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पे देखिए 1 - 2x - 4x² और फिर यही इंटीग्रेशन में दिया हुआ है, और 5t, तो यहाँ पे 5, वहां पे 1 पे पूछा था यहाँ log 2, और मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ जैसे मैं बोला था ना रिपीटेड कैसे है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 1 - 2x - 4x² इंटीग्रेशन क्या है, 3 + 6 x - t - 4x - t², यहाँ देखिए 3 + 6 - x - a to z सेम है, एक लाइन नहीं बदला है, बदला क्या है बस, उसमें पूछ रहा था 5 1 पे, यहाँ पे पूछ रहा है 5 log 2 पे। इसीलिए मैं हर किसी को बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए। यहाँ पे देखिए बस 5 1 पे पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन करेंगे तो हमारा दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को कर लिया तो आप 5 1 पे निकालोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, और लॉग 2 पे निकालोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2018 दिसंबर का। अब समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ आप लोगों को कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, इससे क्या होगा हमारा काम आसान हो जाएगा, और आपको ये भी पता, क्योंकि अब देखिए अब जिनको ये पता रहेगा, मान लो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप तो डायरेक्टली एग्जाम में बैठोगे, फटाफट क्वेश्चन मारोगे, आपको तो पता है कि किसका आंसर क्या है, आप डायरेक्टली कैलकुलेशन ही करना रहेगा ना। तो पहले मैं इसका लेटेस्ट वाला करवा ले रहा हूँ, इसके बाद आपको 19 दिसंबर का करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। जैसे जो मेथड मैंने पीछे बताया था उसी मेथड को फॉलो करिए, काइंडली पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके तो होपफुली आप लोग कर लिए होंगे, और जो लोग नहीं किए होंगे तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चन मुझे याद हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है ना जो डायरेक्टली आपके नेट में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर से उठा के, तो मैं यहां से इस क्वेश्चन को करवा दे रहा हूं, आप लोग तब तक ट्राई करिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था लेट एक फाइव दिया हुआ था, लेट फाइव बी द सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन आपका क्या था, फाइव एक्स इक्वल टू 1 - 2x - 4x² + 0 - 2x था, 3 टाइम था, पर 6 - xt था, प्लस ये तो और आसान है, सॉरी माइनस था, ये तो और आसान है, उसमें तो थोड़ा साइन वाला था तो टेढ़ा मेढ़ा था, तो कितना इजी है देखिए, और खटाखट मारिए, क्योंकि लिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करिए, इतना इंटू यहाँ पे 5t और dt था, ठीक है। और पूछ रहा था देन 5-1 क्या होगा, ये था 2019 दिसंबर में, और पूछा हुआ है देन 5 log 2 a है
2018 दिसंबर में, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हम यहीं से कर लेंगे। तो अब समझ में आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब, ठीक है। तो इसको करते हैं। मेथड लेबनिज रूल, और भी मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन जो लेबनिज मेथड है उसमें कोई आपका इंटीग्रल इक्वेशन का काम ही नहीं है। ओके, तो मैं लिख दे रहा हूं सोल्विंग और होपफुली टाइम लगा तो मैं आगे का भी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए। ये तो एक कॉमन सेंस बेस्ड था, तो मैंने इसका डायरेक्टली लिख दिया। ओके, तो इस इक्वेशन को मैं 1 नाम दे दे रहा हूँ ताकि पूरा दिखे। तो आपको इक्वेशन ये हो गया आपका इक्वेशन 1। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो डिफ्रेंशिएट करिए 1 को, तो आप करेंगे तो इधर हो जाएगा 5s। क्विकली करते हैं, 1 का 0 माइनस 2 माइनस 8x प्लस, अब आया अंदर असली काम, ठीक है। ये 0 टू x, इसका करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करें ना, तो 6 हो जाएगा माइनस, उसका करेंगे तो 4 टू जाए 8, x माइनस t, और ये हो जाएगा 5t dt प्लस, नीचे वाला तो 0 है, ऊपर वाला x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और x के रखेंगे तो ये 0 ये 0, इधर 3 बच जाएगा, तो आई थिंक ये सिर्फ 3 होगा, और ये 5t था तो ये हो गया आपका 5x, और बाकी तो ये माइनस 0 हो जाएगा, तो इसको कोई मीनिंग नहीं है। ओके, फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं दिया था ना, तो यहाँ से 50 निकाल लेते हैं, इसे 50 निकालेंगे, सॉरी 50 पीछे से कुछ निकल रहा था, 50 क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ से देखिए 50 हमारा क्या होगा, ये सारे 0 हो जाएंगे, 501 हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं, काम पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं। तो 50 हो गया आपका 1, और यहाँ से 5-0 क्या हो जाएगा, 5-0 हो जाएगा, ये तो पूरा टर्म 0, ये 0 हो गया माइनस 2 और ये प्लस 3, तो ये हो जाएगा फिर से प्लस 1। तो हमने 2 कैलकुलेट कर लिया, इतना से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से डिफ्रेंशिएट के 1 को, सॉरी 2 को, इसको मैं 2 नाम दे, हाँ 1 को ही अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5" इधर हो जाएगा माइनस 8x, सॉरी 8x कहाँ से होगा, 8 होगा ना, माइनस 8 प्लस 0 2x, अब 6 का 0, अब इसका करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, और 5t रह जाएगा, और फिर dt प्लस x का 1 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 0, तो ये तो 0, तो इधर 0 हो गया, इधर हो जाएगा आपका 6 5x। क्लियर, आई थिंक कैलकुलेशन सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, अच्छा इसका ये प्लस 3 वाला का करेंगे तो 3 5x, ठीक है। इसको अगर मैं कुछ 2 नाम दूं, तो मैंने 2 को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, आपके इसके लिए लिख दे रहा हूँ ताकि होच पोच ना हो क्या क्या हुआ है। ओके, तो यहाँ से देखिए, और 5' अच्छा एक बार बचा ना, तो अब तो यहाँ से आई थिंक इजीली हम लोग कर सकते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट किए तो 8 खत्म हो गया। अब इसमें देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट का टर्म है, तो इस ए भी 0 प्लस ए भी 0, अब प्लस इसका रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8 5x, नीचे का 0 प्लस इसका करेंगे तो 6 5-x, और इसका करेंगे तो 3 5" x। ओके, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सारे डेरिवेटिव वाले टर्म सभी को एक एक साइड ला देते हैं, आप लोग क्विकली करिए, 5" फिर इसको लाते हैं माइनस 3 5" फिर इसको लाते हैं माइनस 6 5" प्लस 8 5 = 0। अब होपफुली आप लोग यहां से इजीली समझ पा रहे होंगे, इसका इसके करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, r³ माइनस 3r² माइनस 6r प्लस 8 = 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया। अब यहां से आपको सोल्व करना है, रूट निकालना है, रूट निकाल के डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल देना है, खत्म काम, इतना ही था। तो यहाँ से एक्चुअली मैंने पहले फैक्टराइज कर लिया था, तो मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा कि वो आएगा क्या। तो आर माइनस 1 इंटू सॉरी r² माइनस 2r माइनस r = 0 आएगा, तो इसको तो हमें फर्दर फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा ना,
तो यहां से एक बार देख लेते हैं, आर क्या आ रहा है, माइनस बी होगा टू प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा फोर माइनस ए सी अच्छा 32, ये होगा क्या माइनस 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 8 है तो प्लस हो जाएगा अपन में 2 है 2, तो ए हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस 32 36 36 ए होगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सॉरी 2 है ना ओके, तो 6 2 8 बाई 4 और 6 में से गया माइनस 2। तो यहाँ से फर्दर हम लोग इसको लिख सकते हैं आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 4 इंटू आर प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन कर लिया, आप जो भी मेथड जानते होंगे जैसे भी रूट फाइंड आउट करना जानते होंगे, तो यहाँ से मैंने लिख लिया था। अब यहाँ से आपको तो सोल्यूशन निकालना बहुत इजीली आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो डायरेक्टली सोल्यूशन में लिख देता हूँ। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइव एक्स इक्वल टू सी वन टाइम ई टू, यहाँ पे आपका आर क्या आ गया 1 माइनस 2 और 4, तो सी वन ए लेमडा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं सी वन ई टू द पावर आर वन एक्स, सी टू ई टू द पावर आर टू एक्स, सी थ्री ई टू द पावर, ये फर्स्ट टाइम है इस टाइप का सोल्यूशन, तो मैंने थोड़ा सा डीपली करवा दिया। तो ये हो जाएगा सी वन ई एक्स प्लस सी टू ई टू फोर एक्स प्लस सी थ्री ई थ्री सॉरी ई के पावर माइनस टू एक्स, ये आपका सोल्यूशन निकल गया। अच्छा, अब हमने वहां से कुछ निकाला था क्या, फाइव डैश जीरो इक्वल टू वन, फाइव डैश जीरो इक्वल टू वन, फाइव जीरो वन एंड फाइव डैश जीरो वन, तो अब यहां से एक बार रखते हैं, तो यहां से फाइव जीरो क्या दे देगा वन, और ये हो जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, फिर फाइव डैश जीरो निकालेंगे ये भी वन था, और इधर से क्या आ जाएगा आर वन सी वन, और आर वन क्या था ये फिर से सी वन हो जाएगा, इधर प्लस फोर सी टू इधर माइनस टू सी थ्री। आई थिंक सबको कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा, और तीन वेरिएबल है तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए, तो एक यहाँ से हम लोग निकाल ले रहे हैं कि फाइव डबल डैश जीरो पे क्या होगा, उस टाइम नहीं निकाला था ओके, तो यहाँ से देखिए कि फाइव डबल डैश जीरो क्या होगा, ये माइनस एट ओके, ए था हमारा प्लस सिक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस थ्री, तो छः तीन ए भी वन आएगा क्या, ठीक है, तो आप लोग इसको कैलकुलेशन करिएगा, मेरा तो वन आ गया। बस हाथ आपको बैठाना है क्विकली सॉल्यूशन पे, बाकी सब इजी है। तो यहाँ से फाइव डैश डबल डैश जीरो वन आ रहा, तो यहाँ से करेंगे तो ए सी वन ही रह जाएगा, ए फोर फोर सिक्स नहीं सिक्सटीन हो जाएगा, सिक्सटीन सी टू फिर हो जाएगा आपका प्लस फोर सी थ्री, ये हो गया। अब तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, आपको सोल्विंग का मेथड पता है, मैंने सोल्व कर लिया था, तो मेरा डायरेक्टली आया हुआ है जो सी वन आया हुआ है वो आपका वन आ गया, जो सी वन आपका आ गया वो वन आ गया है, एंड जो सी टू सी थ्री आया दोनों जीरो आ गया है, ठीक है, तब हमारा फाइव एक्स क्या बन जाएगा, जब सी वन सी टू जीरो हो गया तो यही था ना, एक खत्म काम एक खत्म काम, आपका सी वन वन आ गया तो ई टू एक्स आ गया, डन। तो आपका फाइव ऑफ वन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्लियर। इसका आंसर आप क्वेश्चन देखते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ट्रू, क्लियर सबको। अच्छा 18 का देखते हैं, क्वेश्चन तो यही था, तो इसको क्वेश्चन 18 क्या था, यही था ना, अब यहाँ पे लॉग टू रखिए, आप इसको लॉग टू रखते हैं, एक सेकंड फिर भी वेरीफाई कर लें, वन माइनस टू इतना थ्री प्लस, ठीक है ए टू जेड थे, अब लॉग टू रखते हैं इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं क्या आता है, फाइव ऑफ लॉग टू, तो ई के पावर लॉग टू, ये आपका आ जाएगा टू, तो इसमें से टू है क्या कोई, तो ऑप्शन फर्स्ट टू, ठीक है, तो यहाँ से हमने कर लिया, ये था 2019 दिसंबर का और ये था 2018 दिसंबर का। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं सभी डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूँ, तो लास्ट मैंने तीन चार ईयर का क्वेश्चन किया, पीछे इस टाइप जो मैंने अभी लेबनीज रूल बताया इस पे आपका 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे 2011 से लेकर 2019 तक, ठीक है, तो आपका ड्यूटी क्या है, उन क्वेश्चंस को खोजना है और करना है। नेक्स्ट में मैं कुछ और ही ऐसे टॉपिक्स लेके आऊंगा इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर, जिसका जिसपे आप बेस्ट डायरेक्टली क्वेश्चन देखें और सोल्व करें, ओके, तो थैंक यू।